आगरा गौरैया पाइपलाइन में रिसाव व आग की सूचना से मचा हड़कंप। प्रतापपुर टूंडला जिला फिरोजाबाद में आगरा से गौरैया जा रही इंडियन ऑयल की पाइपलाइन एवं रेवाड़ी से कानपुर जा रही हिंदुस्तान पेट्रोलियम पाइपलाइन पर पेट्रोल रिसाव व आग की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। तत्पश्चात मौका ड्रिल की जानकारी होने पर राहत की सांस ली गई। IOCL उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन आगरा के मुख्य प्रबंधक श्री सौरभ सिंह एवं HPCSL के उप महाप्रबंधक श्री सुदीप घोष ने बताया कि बृहस्पतिवार दिनांक 26 को आगरा गौरैया पाइपलाइन रिसाव व आग की संयुक्त लेवल तृतीय मोक ड्रिल का आयोजन आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं आपदा प्रबंधन की तैयारी का जायजा लेने हेतु जिला फिरोजाबाद में निहाल सिंह की पुलिया के निकट टूंडला एटा मार्ग पर ग्राम प्रतापपुर में किया गया। यह मोक ड्रिल इंडियन ऑयल एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कंट्रोल रूम को उक्त पाइपलाइन में मौके पर गश्त करने वाले गार्ड के द्वारा JCB से अनाधिकृत खुदाई तथा पाइपलाइन को क्षति होने की सूचना दी गई थी। रिसाव की संभावना के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को सूचना मिली थी, जिसके उपरांत संबंधित अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर रिसाव की पुष्टि की। उक्त सूचना की प्राप्ति पर मुख्य प्रबंधक श्री सौरभ सिंह एवं HPCSL के उप महाप्रबंधक श्री सुदीप घोष ने मेंटेनेंस एवं अग्निशामन दल किया गया। इमरजेंसी रिस्पांस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इसके अंतर्गत इसके तहत ये मॉक ड्रिल है जो हम लोग हर एक जिला में करते रहते हैं ताकि जिला में सब कुछ जागरूक हो जाए कि क्या होता है ऑयल लीक करने से क्या होता है। एक्चुअली ये ऑयल जो है हमारा 90 kg के आसपास में प्रेशर में चलते हैं, 90 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर में चलते हैं, तो ये लीक होने के बाद तुरंत हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ का हमारा जो स्टेशन है उधर हम लोग वाल्व बंद कर देते हैं। वाल्व बंद करने से क्या होता है प्रेशर स्लोली 90 kg से 60 kg, 60 kg से 30 kg, 30 kg से एकदम कम हो जाता है। तो कम होने के बाद हम लोग LEL जो बोलते हैं ना एक्सप्लोसिव लेवल वो चेक करते हैं। हम चेक करने के बाद हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, रुक रखाव करते हैं। तो रख रखाव करने के बाद हम लोग फिर से पाइपलाइन को चालू कर देते हैं स्लोली। ग्राम प्रतापपुर में जिला प्रशासन की टीम के साथ मौजूद है। आज यहाँ पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से किया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ टूडला में विगत कई गांवों में से होकर के लाइन जा रही है और जिसे लेकर के एक सूचना हुई कि हमें मॉक ड्रिल की आयोजन करना है। तो इंडियन ऑयल की टीम, तहसील प्रशासन की पूरी टीम और जो भी हमारी चिकित्सालय की टीम है और पुलिस विभाग, सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे और एक मॉक ड्रिल का आयोजन जागरूकता के लिए किया गया और उस मॉक ड्रिल का पूरी तरीके से आयोजन सफल रहा। किसी भी तरीके की जो भी हमारे द्वारा मॉक ड्रिल की गई उसमें किसी को हताहत या कोई भी घटना नहीं हुई है और मेरा यही है कि इस तरीके से जागरूक किया गया लोगों को और गाँववासी भी रहे, उन लोगों को जागरूक किया गया और आगे भी इसी तरीके की जॉइंट टीम के साथ आगे से भी मॉक ड्रिल करती रही होंगी जिससे कि सभी को जागरूकता होती रहे, कोई भी घटना अनावश्यक तरीके से न हो। ड्रिल किया गया है, कंबाइंड मॉक ड्रिल हम लोगों ने किया है इंडियन ऑयल और HPCL के साथ। इसमें एक सिनेरियो था कि मतलब हमारी जो पाइपलाइन है उस पर अवैध खुदाई की गई जिसकी वजह से तेल रिसाव हुआ और वहाँ हमारी जब मेंटेनेंस टीम पहुँची उन्होंने उस तेल रिसाव को रोकने की कोशिश की तो वहाँ पे एक फायर इंसिडेंट हुआ। उस फायर इंसिडेंट को हमने एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से, इसको लेवल 3 हम लोग कहते हैं, लेवल 3 मॉक ड्रिल कहते हैं, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से उसको कंट्रोल किया। जिस तरह से देखा जाए ग्रामीण अंचल में जहाँ तरह पाइपलाइन जा रही है और कहीं अवैध खनन होता है, हमें टच हो जाता है, किस तरह का संदेश देना चाहोगे? हमारा ग्रामीण क्षेत्रों ग्रामीण भाइयों और बहनों से यही आग्रह रहता है कि जब भी अगर इस तरह की कोई भी खुदाई या तेल चोरी की कोई भी उनको घटना या कोई भी सूचना मिलती है तो वो तुरंत से तुरंत हम लोगों को बताएं, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है कि हमारी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें अगर कोई भी तेल रिसाव होता है तो इंडियन ऑयल, HPCL, गेल ये प्रेशराइज लाइन है, यहाँ बहुत प्रेशर के साथ तेल प्रवाह करता है, तो इस चीज़ को हमारे पास मशीनरी होती है, हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं तो उससे